सो स्टूडेंट, आज फाइनली हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 12 मार्च से प्रारंभ हुआ है एडियो का। अगर आप लोग एडियो की तैयारी करना चाहते हैं, सहायक विकास विस्तार अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आज से हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास स्टार्ट हुआ है एडियो सहायक विकास विस्तार अधिकारी हिंदी का। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला से पूछे गए प्रश्न जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हिंदी की क्लासेस लगातार रहेगी। 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, बहुविकल्पी प्रश्न। अगर आप लोग हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो आज से स्टार्ट हुआ है, ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जा रही है। तो चलिए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला, टोटल हम आज 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देना चाहता हूं, उसके बाद टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देख के जाइएगा, ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। 90% गारंटी देता हूँ। अगर ऐसे एग्जाम में देखने को ना मिले तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, वीडियो कभी मत देखना। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हिंदी का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चाहे आप एडियो की तैयारी करो या व्यापम पीएससी की तैयारी करो, एडियो में यानी कि आपका एडियो का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। एडियो में हिंदी के 30 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 नंबर का टोटल। ठीक है, कितने प्रश्न? 30 बहुविकल्पी प्रश्न 30 नंबर से पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग एडियो की तैयारी करना चाहते हैं, बेरोजगार होने से बचना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। टोटल आज हम हिंदी के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने वर्णमाला का क्वेश्चन किया है तो बहुत ही शानदार मैं आपको कराने वाला हूँ 50 ऑब्जेक्टिव, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और जिनको तैयारी करना है, चाहे एग्ज़ाम एक महीने बाद आए, एक साल बाद आए या एक दिन बाद आए, आपको तैयारी करके रखना ही है। ज़्यादा मैं इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला को देखिएगा ध्यान से। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण होते हैं, स्वर 11। देखिए स्वर कितने होते हैं? 11, व्यापम के हिसाब से। ठीक है, देखिए, और व्यापम अपना व्यंजन 41 माना है, जबकि ऐसे में आपका होता है कितना? 13 स्वर और व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन व्यापम आपका 11 लेता है और व्यंजन 41 लेता है। अगर आप लोग 13 लगा देते हो तो आपका आंसर बिल्कुल गलत माना जाएगा। 11 इसका है स्वर। कितने स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में? 11, 52 वर्ण हैं। तो ह्रस्व स्वर 4 हैं, दीर्घ स्वर 7 हैं, फ्लुतः ए स्पर्श व्यंजन यानी कि आपका 25 क से लेकर म तक, द्विगुण आपका होगा ड और ड, अंतस्थ व्यंजन 4 होता है, उक्षिप्त व्यंजन 4 होता है, संयुक्त व्यंजन 4 होता है और आगत आपका 2 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो चलिए मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि पूरा डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन यानी कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन मिलकर बनती है। हिंदी में वर्ण, स्वर और व्यंजन की कुल संख्या 52 है, जिसमें 11 स्वर हैं और 41 आपका व्यंजन होते हैं। इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इन्हीं के स्वर और व्यंजन की व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। अब ध्यान से समझिएगा, जो वर्णमाला है आपका, स्वर दो प्रकार का होता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर।
जो ह्रस्व स्वर है आपका चार वर्ण होते हैं, अनारक्या, इमली की, उक्याओ और ऋषिकेरी। जबकि दीर्घ स्वर सात वर्ण होते हैं, अनार, आमक्या, इमली की, उक्याओ, यानी कि दीर्घ का मतलब होता है सम संख्या, ठीक है, यानी कि दो चार छः इस प्रकार होता है, उसी प्रकार ये आपका सम संख्या होगा, ठीक है, सम संख्या, और ये आपका विषम संख्या के तौर पर जाने जा सकता है, ठीक है। अब बात करें व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन आपका 25 होता है, अंतस्थ व्यंजन 4 होता है, उष्म व्यंजन 4 होता है, आगत आपका 2 होता है और संयुक्त आपका 4 होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए डिटेल में आपको बता रहा हूँ, जो स्पर्श व्यंजन है क से लेकर म तक यह आपका स्पर्शी व्यंजन है, जबकि अंतस्थ व्यंजन यरलव 4 वर्ण, उष्म व्यंजन स स स और ह, आगत है ज और फ, संयुक्त है छत्र ज्ञ और स्र। लेकिन आप देख सकते हैं जो स्वरों की जो संख्या है 11 और व्यंजन की 41, टोटल आपका 52, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब हम टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइएगा, जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। टोटल आपके एडियो का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, बेरोजगारी से बचना चाहते हैं, अगर काम धंधा करना नहीं चाहते, पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल डेली क्लास करते रहिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, मैं आपको अभी डिटेल बताया हूँ, वर्णमाला में आपको मैं डिटेल पढ़ा दिया हूँ अभी, और आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो अंतस्थ व्यंजन नहीं है पूछा गया है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा है, य, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा, य, र, ल, व। अब चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा शब्द नहीं है। तो अंतस्थ व्यंजन नहीं है पूछा गया है, तो इसमें देखिए य है, र है और व है, जबकि ह नहीं है, यहाँ पर ह नहीं है ना, ये जो चारों अंतस्थ व्यंजन है। यरलव देखिए, यरलव ये कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है के व्यापम में पूछा गया है। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन को क्या कहा जाता है, तो उष्म व्यंजन देखिए स स स और ह, आपके आंसर ए होगा, उष्म व्यंजन, ठीक है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग होता है, किसका, केवल सांस का, उसे आघोष व्यंजन कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर ल, ये आपका पार्श्विक व्यंजन होगा, पार्श्विक ध्वनि, जबकि ल, एक मिनट ना, जबकि र आपका लुंठित व्यंजन है, लुंठित व्यंजन है र, एग्जाम में पूछा गया व्यापम का 2019 में। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है, पश्च का मतलब होता है सम संख्या, तो आपके आ, आ ये शुरू वाला हो गया विषम संख्या और ये आपका सम संख्या, तो आपका आंसर आ हो जाएगा। ओष्ठ ध्वनि नहीं है पूछा गया है, तो जो आपका च राशि है आपका ओष्ठ ध्वनि नहीं है, जबकि फ, म और प ओष्ठ ध्वनि है, ठीक है, ये आपको मालूम होगा। कंठव्य, तालव्य, मूर्धय, दंतय, ओष्ठय है ना, कंटव्य, तालव्य, मूर्धय, दंतय और ओष्ठय, ये आपको मालूम होगा। क, च, ट, त, प, ये टोटल 25 स्पर्शी व्यंजन होता है, ठीक है। और बात करें तो 11 आपका स्वर हैं, 41 व्यंजन, दोनों मिलाकर आपका हो जाएगा 52, ठीक है, 52 वर्णमाला। यहाँ तक क्लियर हुआ, कहीं पर आपको डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ये आपका 13 नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा, एग्ज़ाम में आप 13 मानोगे, बिल्कुल गलत, 41 व्यंजन ना कि 33,
बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? गलत आंसर ना लगाइएगा। और मैं आपको पार्श्विक बताया था, ये पार्श्विक आपका ल कहीं पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर। हिंदी तालव्य ध्वनि, ध्वनि आप समझते हो ना, च छ ज झ, ये आपका तालव्य। स ध्वनि, स आपका तालव्य। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? त, 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 त अल्प प्राण है। यहाँ तक क्लियर? मूर्धा अब भी बताया आपका, मूर्धा ये आपका कचट, टप ये आपका मूर्धा, ये आपका देखिए कंठव्य, तालव्य, मूर्धा है ना, तो ये आपका मूर्धा हो गया, ठीक है। दंतोदय ये आपका व आ जाएगा, दंतोदय ऐसे में देखिए, कंठव्य, तालव्य, मूर्धय, दंतय, ओष्ठय, यानी कि क च ट प, त प राशि, प व फ ब व, ये आपका दंतो है। हिंदी के स्पर्श में घोष, महाप्राण, दंत्य, व्यंजन ध्वनि है आपका थ, थ का हलंत। निम्न में से कौन सा स्वर और वृत्तीय है? ई, स्वर संवृत्त आपका ई होगा। मूर्धय की बात करें तो मूर्धय आपका ट ट ड ढ, ये आपका होगा। ब ध्वनि, ब आपका ओष्ठ है, ठीक है। उपवाक्य के पश्चात कौन सा विराम लगता है? आप सभी को मालूम है पश्चात, जो पूर्व और पश्चात में कौन सा विराम लगता है? उपवाक्य में हमेशा अल्प विराम लगता है। अल्प विराम कैसा चिन्ह होता है कमेंट करके बताइएगा, अल्प विराम कैसा चिन्ह होता है, जल्दी से कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में अल्प विराम का चिन्ह डालें जल्दी से, ठीक है। 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, फटाफट अल्प विराम पूछा मैं ना। हाँ देखिए, अल्प विराम का जो चिन्ह होता है इस तरह का होता है ना, ये देखिए यहाँ पर, ये आप बताइएगा कि कौन सा विराम है, ये वाला, ये आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा विराम है, फटाफट कमेंट करें। प्रश्नवाचक, आंसरवाचक या दीर्घवाचक, फटाक से कमेंट करें ये वाला कौन सा चिन्ह है कमेंट में। बैकूप यहाँ पर आंसर वाचक नहीं होगा, कमेंट करें, मैं आपको ये गलत दिए दी हूँ। पश्चय या दीर्घ क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करें। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार का मतलब होता है स्वर के बाद आने वाली राशि, अनुस्वार ध्वनि, ठीक है। अनुस्वार, ये अनुस्वार। अमात्रिक, यहाँ पर कोई मात्रिक नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पर आ का मात्रा, यहाँ पर आ का मात्रा, यहाँ पर आ, इसमें सिंगल लाइन है, चटपट चटपट पूरा सिंगल लाइन है, अमात्रिक है, मात्रा लगा नहीं है, अगर चा हो जाता तो मात्रिक हो जाता। शून्य चिन्ह बताइए, लाघव, निम्न में से किसका शून्य चिन्ह है? लाघव आ। हिंदी के इत्यादि संकेत चिन्ह, दंत वर्ण, दंत या प्रत, ये होगा। स उच्चारण होगा कंठव्य, कंठव्य फिर तालव्य, तो आपका पहला होगा कंठव्य। देखिए अगर आप लोग एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हिंदी में 30 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है, और मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव करके डेली, यानी कि आप समझ लीजिएगा मैं 30 दिन, यानी कि 30 दिन में आपका 30 क्वेश्चन कर लेते हो, यानी कि 50 का 2 गुना, 30 दुनी है आपका 60 क्वेश्चन, और 60 से 30 का किरोगे कितना होगा, 60 गुना 30, तो ये आपका 0 और 6 कम 6, 6 दुगुना 6, 18, यानी कि 1800 क्वेश्चन। अगर 1 महीने में अगर आप लोग 1800 क्वेश्चन कर लेते हो, मैं गारंटी लेता हूँ, डेली क्लास करा रहा हूँ, 1 मार्च से प्रारंभ किया गया है, और एडियो की क्लास कल से 12 मार्च से प्रारंभ हुआ है फ्रेंड,
अगर आप लोग एडियो हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। निःशुल्क है टोटल। अगर आप लोग 60 क्वेश्चन एक दिन में करते हैं तो एक महीने में आपका कितना हो जाएगा, 1800 क्वेश्चन, ठीक है। 1800 क्वेश्चन हो जाएगा तो यहाँ से आपके 90% गारंटी लेता हूँ मैं। 1800 क्वेश्चन में आपका 30 नंबर में 28 नंबर जरूर आएगा, ठीक है। ये बताइएगा कि कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है, जो कामता प्रसाद गुरु जी है विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है, मात्र 20, मात्र 20, इसको छोड़ दीजिएगा। कौन वर्ण घोष नहीं है, स, ये आपका नहीं है, जबकि र, ड, ल घोष है। छंद में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, छंद का आप सब मालूम है ना, जैसे छंद आपका खत्म होता है तो ये टिक लगा देते हो, ठीक है। ये कौन सा है, अल्प विराम। ये कौन सा है, पूर्ण विराम। ये कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। आप बताइएगा कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक के लिए करते हैं। विसर्ग से बना हुआ शब्द निष्प, स्वरों की सहायता होती वर्ण, ते व्यंजन, कजफ, कजफ अरबी फारसी। वर्णमाला किसे कहते हैं, अब भी मैं आपको बताया हूँ वर्णमाला बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। टोटल आपका 52 वर्ण है जिसमें 11 स्वर 41 व्यंजन, टोटल दोनों को मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। आघोष का मतलब आप समझते हो ना, स याद रखिएगा। लुंठित का र, पार्श्विक ल, पार्श्विक व्यंजन है ल, लुंठित है ल। इसमें से ओ, कंठ ओ, द्वितीय व्यंजन दिल्ली, महाप्राण ध्वनि व्यंजन दूसरा उच्च चौथा, प व्यंजन अल्प प्राण प, या प। जब समय यानी कि तीन गुना उच्चारण जिसका वर्ण हो उसे स्वर, ठीक है। महाप्राण, पांच निकले अधिक से कमेंट ना करें ना, यहाँ पर बीच बीच में डायरेक्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ना कमेंट करें ना मैसेज करें, ओके, वरना मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। आप कभी भी वीडियो नहीं देख पाएंगे। अधिक वायु यानी कि पांच निकले से क्या कहते हैं, महाप्राण, ठीक है। यह कहो गया, इसको छोड़ दीजिएगा। यर्लव भी मैं बताया था, अंतस्थ व्यंजन, इसे अर्ध व्यंजन भी कहा जाता है, अर्ध स्वर व्यंजन, ठीक है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी, अगर हिंदी में पूछा जाए तो 33, वर्णमाला मिलाकर पूछा जाए तो 41 व्यंजन, यह आपका 33 आएगा। अगर यहीं पर अगर आपको ऑप्शन में 41 दिया रहता तो आप 41 लगाइए। ट वर्ग का उच्चारण है, ट वर्ग, ये देखिए अब ट कैसे आएगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो ट वर्ग है, क च ट त प, यहाँ तक लिया, कंठव्य, तालव्य, मूर्धय, दंतय, ओष्ठय, ये आपका ट कौन सा में आ रहा है, ये जो ट है आपका मूर्धय में आ रहा है, तो देखिए ट वर्ग आपका मूर्धय में आएगा, इसीलिए कह रहा हूँ मैं आपको स्टार्टिंग में बेसिक कराया हूँ। ए ए, ये क्या है, ए ए कंठव्य है, ए ए ओ ओ आ आ, ये आपका संयुक्त है, संयुक्त व्यंजन, चा।
भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, आपके आंसर में दिया होगा यहाँ पर ध्वनि। ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है और ध्वनि को हम पर्यायवाची शब्द में वर्ण, अक्षर, ठीक है। पंचमा अक्षर किसे कहते हैं? यानी कि रणा और नम, है ना, ये लास्ट वाला ण और नम। स्पर्शी व्यंजन पूछा जाए आप 25 बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, ठीक है। कौन सी भाषा? अंग्रेजी। अगर आप एडियो की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही समय के बारे में बात करें तो 12 मार्च से प्रारंभ हुआ है रात 8:30 से 9:30 के बीच में रिकॉर्डेड क्लास। जितने भी मैं आज से जितने भी रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कर रहा हूँ उसको डेली आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। डेली रट लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है 90%। नहीं आएगा तो वीडियो को देखना मत, वीडियो को डिसलाइक कर देना। और क्या कह सकते हैं हम, ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं आता रिलेटिव, वीडियो को क्या करोगे? डिसलाइक कर देना, ठीक है। वीडियो को डिसलाइक कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो को मत देखना। और क्या कह सकते हैं हम, ठीक है, मत देखना वीडियो को, ठीक है। वीडियो मेरा मत देखना अगर तैयारी नहीं करा पाऊँगा तो। तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, बेरोजगार से बचना चाहते हैं, आप किसी काम करना नहीं चाहते, प्राइवेट काम करना नहीं चाहते, गोदी माटी नहीं जाना चाहते, बेरोजगार नहीं होना चाहते, तो आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो दिन रात तैयारी करिएगा, है ना। एग्ज़ाम आपका चाहे 1 साल बाद आए, 1 महीना बाद आए या 1 दिन बाद आए, आपको क्या करना है? तैयारी करके रखना है। अगर आप तैयारी कर लिए, सिलेक्शन ले लिए, कोई नहीं रोकेगा आपको सिलेक्शन लेने से, ठीक है ना। सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ कि 12 मार्च से हमारे चैनल पर न्यू बैच प्रारंभ किया गया है, हॉस्टल वाड़ाना कंप्यूटर का 50, ठीक। इसके बाद है एडियो हिंदी का 30, पंचायती राज व्यवस्था 30, आजीविका। देखिए अब एडियो का सिलेबस की हम बात करें, एडियो का डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, लेकिन देख लीजिएगा पंचायती राज में आपका 30 नंबर, आजीविका में 30 नंबर, ग्रामीण विकास में 30 नंबर, हिंदी में 30 नंबर, सामान्य अध्ययन 30 नंबर, सभी मिलाकर आपका 150 नंबर, ठीक है।